Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video, we are going to discuss about the Kuru Sukta given in the 10th mandal of the Rig Veda. So let's start the class. Basically, यहाँ पे हम Kuru Sukta की बात करेंगे और वही बातें करेंगे जो हिस्ट्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. Kuru Sukta तो बहुत बड़ा है बट जो इतिहास के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वही बातें करेंगे. वैसे भी मैंने डिटेल लेक्चर वाला जो क्लास है पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है. तो Kuru Sukta की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, Kuru Sukta की बात करते हैं तो Kuru Sukta है क्या? देखिए, Kuru Sukta जो है ये कलेक्शन ऑफ मंत्रास, मंत्रों का एक समूह है, ठीक है. और ये है कहां पे? इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद. देखिए, ऋग्वेद वो उस समय लिखा गया जब पूर्व वैदिक काल का समय था. ऋग वैदिक पीरियड को ही पूर्व वैदिक पीरियड भी, अर्ली वैदिक पीरियड ही कहते हैं, तो अर्ली वैदिक पीरियड भी कहते हैं. तो इससे हम टाइम पीरियड दे देते हैं, 1500 टू 1000 बीसी का समय है. आगे का जो समय है 1000 टू 600 बीसी वो लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल का समय है. तो Kuru Sukta की बात ऋग्वेद में हुई है और ऐसा नहीं है, ये मैं बता देता हूं, मुख्य रूप से Kuru Sukta जो है वो ऋग्वेद में इसकी चर्चा हुई है, लेकिन आगे लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी, जैसे यजुर्वेद में चर्चा हुई है और अथर्ववेद में भी चर्चा हुई है. तो ऐसा ना कि अगर कभी एग्जामिनेशन में ऐसा आ जाए कि Kuru Sukta हैज बिन गिवेन ओनली इन द ऋग्वेदा, ठीक है, तो ओनली अगर आ जाएगा तो ऐसा नहीं है. चर्चा आपकी लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी Kuru Sukta की हुई है, क्योंकि आप यजुर्वेद है तो यजुर्वेद यज्ञों से रिलेटेड है और Kuru Sukta में भी यज्ञ की चर्चा है तो इस वजह से वहां भी चर्चा की गई है. तो ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज कर जाए, कहीं स्टेटमेंट बना दे. स्टेटमेंट ये भी बना सकता है कि Kuru Sukta हैज बिन रेफर्ड इन ऋग्वेदा, दूसरा स्टेटमेंट बना दे हैज बिन रेफर्ड इन अथर्ववेदा, या हैज बिन रेफर्ड इन लेटर वैदिक टेक्स्ट, या हैज बिन रेफर्ड इन यजुर्वेदा, और दे दे क्या ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, इस तरह का अगर स्टेटमेंट दे दे तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि Kuru Sukta का रेफरेंस जो है ऋग्वेद में तो मुख्य रूप से मिलता है, लेकिन चर्चा इसकी अथर्ववेद और यजुर्वेद में भी मिलती है, यानी लेटर वैदिक टेक्स्ट में भी मिलता है, उत्तर वैदिक काल के टेक्स्ट में भी मिलता है, ठीक है, वैदिक टेक्स्ट में, क्योंकि ऋग्वेद तो सिर्फ अर्ली वैदिक पीरियड का टेक्स्ट है. उसके बाद के जो टेक्स्ट हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद के हैं ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषद, सब उसके बाद के. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो अब है क्या, देखिए हमें जानना क्या है कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में जो Kuru Sukta है 10वें मंडल में है, और वैसे भी मैंने बता दिया है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है टोटल, ठीक है. 2 से 7 मंडल जो है वो अर्लीस्ट है या ओल्डेस्ट है या प्राचीनतम है, ठीक है, और वो अलग अलग ऋषियों को समर्पित है, क्योंकि अलग अलग ऋषियों ने उनको लिखा है, उनकी रचना की है, उन अलग अलग ऋषियों से जुड़ा हुआ है. जैसे दूसरा मंडल जो है वो गृत्समत भार्गव से, तीसरा मंडल विश्वामित्र से, तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र की चर्चा है, चौथा मंडल जो है उसमें है वामदेव, पांचवें मंडल में अत्रि, छठे में आपको अत्रि भारद्वाज छठे में है, और सातवें में है वशिष्ठ. तो ये अलग अलग जो है ऋषि जो है वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन ऋषियों ने ही उनकी रचना की है. याद रखिएगा, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, तीसरे मंडल में है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है. तो ये तो अर्लीस्ट है, पहला और 10वां मंडल, बाकी जो है 2 से 7 को छोड़ के बाद में ऐड किए गए हैं. मंडल क्या है, मंडल की जो चर्चा हम कर रहे हैं, मंडल अलग अलग किताबें हैं, ठीक है ना. तो 2 से 7 पहले लिखे गए, बाद वाले बाद में जोड़ दिए गए, वो किताबें बाद में आई, अगर समझे समझे तो वो बुक्स बाद में आई. और जो लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट 1st मंडल और 10th मंडल, ठीक है, लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट जो है 1st एंड 10th, पहला और 10वां, ध्यान रखिएगा. उसमें भी जो 10वां है ना,
दसवां जो मंडल है ये लेटेस्ट है। इन दोनों में तुलना करें तो दसवां लेटेस्ट है, यानी कि नवीनतम जो है वो दसवां मंडल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है इस पुरुष सूक्त में। हाँ, एक विराट पुरुष की चर्चा है, विराट पुरुषा पुरुषा, ठीक है। इन्हीं को हम कह सकते हैं ग्रेट पुरुषा या हम कह सकते हैं परम पुरुषा, कुछ भी कह ले, ये विराट पुरुष है। और कहा गया है कि ये जो विराट पुरुष है, हाँ, इन्हें इनके शरीर के अलग अलग अंगों से, हाँ, अलग अलग चीजों की रचना हुई है। जैसे सबसे पहला जो हम बात करेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिहाज से, तो इस विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से वर्ण, एक सबसे पहले देखो, जान लीजिए, इस ऋग्वेद में वर्ण आया है। ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण की बात सबसे पहले ऋग्वेद में ही, ये जो शब्द आया है ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। सबसे पहला शब्द वर्ण नाम का, ये ऋग्वेद में इसकी चर्चा है, ध्यान रखिएगा। तो इस विराट पुरुष के, मान लीजिए विराट पुरुष है, ठीक है, वैसे तो विराट पुरुष का स्वरूप दूसरा है, मतलब एक पुरुष मैंने मान लिया ये, ठीक है। तो ये विराट पुरुष है, तो कहा गया कि इस विराट पुरुष के सिर से या मुख से, हम लिखते हैं हेड और माउथ, क्योंकि कहीं हेड भी मिल जाएगा, कहीं माउथ भी मिल जाएगा। माउथ से जो है, हाँ, उत्पत्ति हुई है किसकी, ब्राह्मण की। पहला वर्ण चतुर्वर्ण जो है ना, ब्राह्मणास, चतुर्वर्ण कहा गया है कि विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से चार जो वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से वर्ण हैं आप जानते हैं, ब्राह्मण पहला है, ठीक है। तो हेड या माउथ से, सिर से या मुख से। अब यहां पर भुजा, चूंकि देखिए ब्राह्मण की जाति सबसे ऊपर मानी गई, जाति नहीं वर्ण, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं था, समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि यहां पर वैदिक पीरियड में या पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण है वो जन्म मूलक है, कर्म मूलक है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन कर्म, बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन प्रोफेशन, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है, अगर वो ट्रेड करने लगता है तो फिर वो ब्राह्मण नहीं होगा, वो वैश्य हो जाएगा। अगर वैश्य का बेटा टीचिंग का काम करने लगता है तो जन्म से तो घर में पैदा हुआ किसके, वैश्य के यहां, लेकिन टीचिंग का काम करने लगा तो ब्राह्मण का काम कर रहे, या पूजा कराने का काम करने लगा तो ब्राह्मण का काम करने लगा, ठीक है। तो यहां कर्म मूलक समाज है, वर्ण व्यवस्था है कर्म मूलक, जो उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि 1000 से 600 बीसी के पीरियड में जब जाएगा तो वहां पे जो ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था वो क्या होगा, वो जन्म मूलक हो जाएगा। यानी ब्राह्मण के घर में अगर आप पैदा हुए, आप कोई भी काम करें, वैश्य वाला भी काम करें, व्यापार वाला काम करें, फिर भी आप ब्राह्मण रहेंगे। वैश्य के घर में पैदा हुए, चाहे आप लड़ाई लड़ने चले जाएं, आप क्षत्रिय नहीं होंगे, आप वैश्य ही कह जाएंगे, ठीक है, आज जो व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है। तो वहां पर कास्ट सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाएगा, जैसे ही जन्म मूलक होगा, हाँ, बेस्ड ऑन बर्थ, तो वो कास्ट सिस्टम वहां पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा, डेवलप होना नहीं, एस्टैब्लिश हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा कास्ट सिस्टम उत्तर वैदिक काल में। यहां पर चूंकि क्षत्रिय का काम क्या है, हाँ, क्षत्रियों का काम भुजा से है, बाहों से है, यानी कि हाथों से है, लड़ाई का काम है, वॉर का काम है, तो क्षत्रियों का जो है हैंड से होता है क्या, क्षत्रियों का उत्पत्ति होता है। उसके बाद कहा गया कहीं आपको मिलेगा पेट या कहीं मिलेगा जांघ, हाँ मैं पेट ही लिख देता हूं, स्टोमक या जंघा, ठीक है, क्योंकि वैश्यों का काम क्या है, ट्रेड का काम है, व्यापार का काम है, जो कि उदर पूर्ति का काम करता है, उदर पूर्ति मतलब पेट भरने का काम, तो इसलिए कहा गया पेट या जंघा, आपको पेट भी आ जाए, जंघा भी आ जाए, दोनों सही है, तो मैंने दोनों लकीर यहां पे दे दिया, ये जगह और ये पेट, ठीक है। इससे उत्पत्ति होती है वैश्य की,
वैश्य, वैश्य ठीक है, वैश्यों की ठीक है। और फुट से या पैर से, लेग भी लिख सकते हैं या फीट भी लिख सकते हैं, फुट सिंगुलर हो गया, फीट प्लुरल हो जाएगा, फुट से हो जाएगा क्योंकि ये सर्विंग क्लास है, शूद्र जो है सबसे नीचे है चारों वर्णों में, तो इसका पैर से शूद्र, शूद्र। तो ये जो है विराट पुरुष से कहा गया है पुरुषोत्तम। मैं हुआ कैसे, इसकी कहानी ये है कि देखिए सृष्टि के निर्माण की जो चर्चा है सबसे पहले ऋग्वेद में ही मिलती है, ठीक है ना। ये वर्ल्ड का अर्लीस्ट टेक्स्ट भी है और दूसरी किसी किताब में हाँ सृष्टि के निर्माण की चर्चा या उसके निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा नहीं मिलती। इसी में कहा गया है कि द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ, ये यजना यज्ञ होता है, एक सृष्टि यज्ञ होता है, ऋषि मुनि मिलकर सृष्टि यज्ञ करते हैं और उसी सृष्टि यज्ञ से ये निकल के आते हैं विराट पुरुष, ठीक है। और इन विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से ये चार वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र निकल कर आते हैं। सिर से या मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, हाथों से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है, पेट और जंघा से वैश्यों की उत्पत्ति होती है और फुट से या पैर से शूद्रास की उत्पत्ति होती है। कारण भी है, सबसे ऊपर ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है तो हेड से, हाँ क्षत्रियों का काम लड़ना है, बाहों का काम है लड़ने में, भुजाओं का काम है तो हैंड से क्षत्रिय का, हाँ वैश्यों का क्या है, व्यापार का काम है, उदर पूर्ति का काम है यानी पेट भरने का काम है, या पेट भरने का या जो है बिजनेस जो है क्या है, उदर पूर्ति का काम ही करता है, ठीक है, पेट से डायरेक्ट उसका लिंक है सीधा सीधा। तो पेट और जंघा कहा गया है वैश्यों के लिए और फुट लेग या हम कह सकते हैं पैर जो है वो शूद्रास के लिए है। तो एक तो ये बात होगी, तो सिर्फ ये वर्ड की ही बात नहीं है, इतिहास के लिहाज से तो हमें पढ़ना है क्योंकि वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो ये चीजें हमें पढ़ा भी है आपने, मैंने तो पढ़ा ही दिया है तो ये जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा सब नेचुरल थिंग्स, हाँ नेचुरल थिंग्स कुछ प्राकृतिक चीजें भी वो भी निकल के आई इनके शरीर के अलग अलग अंगों से, वो क्या है वो भी देख लीजिए, हालांकि आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी जब पढ़ रहे हैं तो इसको जान ही लीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूं, देखिए जैसे कुछ नेचुरल चीजें आ जाएंगी, जैसे मन से विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं मून, हाँ मन के बाद आंख से, आंखों से, आंखों से हो जाएगा सन यानी कि सूर्य, सूर्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। मुख से, मुख से इंद्राग्नि कहा गया, इंद्र और अग्नि, ठीक है। और प्राणों से, प्राण से, प्राण से वायु, ठीक है। उसके बाद नवेल नाभि, ठीक है, नाभि से, नाभि से अंतरिक्ष स्पेस, ठीक है अंतरिक्ष, ठीक है। उसके बाद फुट से, फिर देखिए फुट से भूमि, ठीक है ना। और कान से यानी ईयर से, कानों से दिशाएं यानी कि डायरेक्शन, हाँ हिंदी इंग्लिश मिलाकर मैंने लिख दिया, सब तो आसान है आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश वाले भी, ठीक है। तो अब देखिए ना सिर्फ पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है, यहां भूमि की भी उत्पत्ति पैर से हो रही है विराट पुरुष से, ठीक है। मन से चंद्रमा की हो रही है, मुख से ब्राह्मणों के अलावा इंद्राग्नि की भी हो रही है, प्राण से वायु की, आंख से सूर्य की, ठीक है, नाभि से हाँ अंतरिक्ष यानी स्पेस की, पैरों से जमीन की, कान कानों से दिशाओं की। अब ये सृष्टि यज्ञ हुआ है और ऋषि मुनियों ने सृष्टि यज्ञ किया है, सृष्टि यजना, यजना बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वाई ए जे एन ए कह दीजिए, जेड एन ए कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यजना, यजना नहीं यजना, ये ही होगा, ठीक है यजना। तो ये आप यज्ञ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये यज्ञ करते हैं सृष्टि यज्ञ, कौन सा यज्ञ, सृष्टि यज्ञ। तो सृष्टि यज्ञ जो है ये सृष्टि यज्ञ ये करते हैं और उस सृष्टि यज्ञ से जो निकल के आते हैं विराट पुरुष निकल के आते हैं और सृष्टि के निर्माण के लिए जिन जिन चीजों की, जिन जिन पदार्थों की, जिन जिन नेचुरल थिंग्स की जरूरत है, प्लस वर्ण व्यवस्था, ठीक है हाँ
वर्ड की, अलग अलग वर्णों की, सबकी जितनी चीजों की जरूरत है सब ये विराट पुरुष से सबकी उत्पत्ति होती है और सृष्टि का निर्माण होता है, यही ऋग्वेद ने दिया हुआ है। और पुरुष सूक्त में ये विराट पुरुष के माध्यम से यही चीजें बताई गई हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।